मतगणना की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इसी को लेकर सभी प्रत्याशियों को टेंशन है। बात कर रहे हैं हम विधानसभा चुनाव 2018 की। जी हाँ, वक्त हो चला है परीक्षा परिणाम जानने का, वह भी 2018 के विधानसभा चुनाव का। हम आपको बता दें, रीवा जिले में 8 विधानसभा सीटें हैं। 158 प्रत्याशी अपना भाग्य अजमा रहे हैं। मुख्य मुकाबले में यह कहें 8 विधानसभा कांग्रेस भाजपा मुकाबले में बनी हुई है। एक सीट समाजवादी पार्टी व एक सीट बहुजन समाज पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वहीं बाकी 6 सीटों में ऊंट किस करवट बैठेगा यह नहीं कहा जा सकता, यह तो वक्त ही बताएगा। जब 11 तारीख को मतगणना के बाद अंतिम परिणाम मत पेटी से निकलकर बाहर आएंगे। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव के दौरान घटी घटनाएं, रैलियां और नेताओं के दावे। इस बार रीवा से बम्बई, दिल्ली और भोपाल के लिए हवाई जहाज उड़ाएंगे। ये अब जैसे कि स्वास्थ्य में यहाँ पर काफी काम हुआ है और वो हवाई जहाज ऐसा होगा जिसमें हवाई चप्पल पहनने वाला भी यात्रा कर सकेगा। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि 500 किलोमीटर बहुत सस्ता है, उसमें 50% सीटें केंद्र सरकार सब्सिडी देती है और जो 50% सीटें हैं उसमें हमारी राज्य सरकार सब्सिडी देगी, तो कुल मिला के 8-10 हज़ार वाला किराया 2-2.5 हज़ार हो जाएगा। रीवा की बेशकीमती ज़मीनों की लूट को रोकना और रीवा के 90% पढ़े लिखे बेरोजगार जो दर दर भटक रहे हैं उनको रोजगार देने का मुद्दा और पार्षदों के काम को मंत्री जो अपना विकास बता रहे हैं गांव गली मोहल्लों में और 15 साल में कुछ भी नहीं किया, तो एक 5 वर्ष का एक ठोस एजेंडा कि रीवा में क्या होगा उसका मैनिफेस्टो देकर रीवा को एक नई दिशा देने के काम में मैं काम करूँगा। गुड़ विधानसभा क्षेत्र बाहरी प्रतिनिधित्व होने के कारण पिछले कई पंचवर्षीय से विकास में बहुत पीछे रह गया है और जनता के अधिकारों का बड़े ही क्रूरता से हनन हुआ है। गुड़ विधानसभा क्षेत्र मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, शिक्षा हो, रोजगार के अवसर की बात हो, कोई भी विषय हो, उसमें गुड़ विधानसभा का क्षेत्र बहुत पीछे है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा मुद्दा इस बार गुड़ विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय प्रतिनिधित्व का है। विगत कई पंचवर्षीय से बाहर के नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं और किन्हीं कारणों से जनता का प्रतिनिधित्व उनको मिल जाता है और वो वैसा ही स्वभाव व्यवहार जनता से करते हैं जैसा एक घर के बाहरी व्यक्ति घर के आदमी से करता है। इस बार गुड़ विधानसभा क्षेत्र की जनता, वहाँ के मतदाता संकल्पित हैं कि इस बार जिसको भी चुनेंगे अपने क्षेत्र के ही प्रत्याशी को चुनेंगे।